तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि आप सांस लेने के लिए अपने लंग्स का इस्तेमाल करते हैं। हम अपने लंग्स को फुलाते हैं और उसके अंदर हवा भर जाती है। लंग्स को फूलने के लिए शरीर के अंदर से खिंचाव आना चाहिए। अगर मैं ये बताऊं कि वो खिंचाव हम लंग्स को बिना छुए पैदा करते हैं तो आप मानेंगे? नहीं, चलिए देखते हैं। मैं अभी आपको इस बैलून को बिना छुए फुला के दिखाऊंगा। यह एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको चाहिए होगा एक रबर बैंड, एक बैलून, एक स्ट्रॉ, एक बॉटल जिसके कैप में आप छेद करेंगे स्ट्रॉ डालने के लिए और बॉटल को काट देंगे, और एक और गुब्बारा जिसको आप मेम्ब्रेन यानी कि झिल्ली की तरह यूज करेंगे। तो आइए अब देखते हैं हमें इस प्रयोग के लिए क्या व्यवस्था करनी होगी। आइए दोस्तों, अब समझते हैं कि हमने बिना छुए ही गुब्बारे को कैसे फुला लिया और कैसे उसको पिचकाया। जब सबसे पहले हम गुब्बारे को स्ट्रॉ से जोड़ते हैं और उसको बॉटल के अंदर डालते हैं, तब हर जगह ही दबाव वायुमंडलीय दबाव के बराबर है। इसके अंदर भी और बाहर भी। जब हमने झिल्ली यानी कि मेम्ब्रेन को बाहर खींचा तो इस बॉटल के अंदर वाले चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ जाता है और इसके अंदर का दबाव कम हो जाता है, पर गुब्बारे के अंदर अभी भी वायुमंडलीय दबाव के बराबर दबाव बना हुआ है क्योंकि वह स्ट्रॉ के द्वारा एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस गुब्बारे के लिए यहाँ पे दबाव कम पड़ रहा है परंतु अंदर से दबाव ज़्यादा है। अंदर से दबाव ज़्यादा होने के कारण वह फूल जाता है। जब गुब्बारा फूलता है तो वह अपने अंदर वायुमंडल से हवा खींच लेता है। जब हम इस झिल्ली यानी मेम्ब्रेन को वापस छोड़ देते हैं तब इस बॉटल के अंदर वाले चैम्बर का दबाव बढ़ जाता है क्योंकि इसका वॉल्यूम यानी कि आयतन अब कम हो गया है। तो यहाँ पर दबाव ज़्यादा है, पर क्योंकि ये गुब्बारा अभी भी स्ट्रॉ के द्वारा वायुमंडल से जुड़ा हुआ है तो इसके अंदर का दबाव अभी भी वायुमंडलिक दबाव के बराबर है जो कि अब इस चैम्बर वाले दबाव से कम है। तो यहाँ पर दबाव कम है और यहाँ पर दबाव ज़्यादा है। क्योंकि दबाव गुब्बारे के लिए बाहर से ज़्यादा पड़ रहा है इसलिए वह अब पिचक जाता है और अपने अंदर की हवा को बाहर छोड़ देता है। दोस्तों, जिस तरह से हमने अभी देखा कि झिल्ली यानी कि मेम्ब्रेन के फूलने या पिचकने से हम गुब्बारे में हवा भर सकते थे, उसी तरह से हमारे शरीर में भी फेफड़ों में एक डायफ्राम होता है जिसके पिचकने या फूलने से हमारे फेफड़े भी फूलते या पिचकते हैं और उनके अंदर हवा भरती है या वह शरीर से हवा बाहर निकालते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वाले डायग्राम में, डायफ्राम इस समय सिकड़ा हुआ है जिसके कारण हमारे फेफड़े जो कि पिछली बार हमारे एक्सपेरिमेंट में बैलून थे और हमारा विंड पाइप यानी कि ट्रैकिया जो कि हमारे एक्सपेरिमेंट में एक स्ट्रॉ की तरह था, ये हमारे लंग्स हैं और ये है डायफ्राम। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डायफ्राम सिकड़ा हुआ है। इसके सिकुड़ने की वजह से लंग्स के लिए अंदर का दबाव वायुमंडलिक दबाव के बराबर है और उन लंग्स और डायफ्राम के बीच का दबाव इस समय कम है क्योंकि डायफ्राम सिकुड़ने की वजह से अंदर के चैम्बर की वॉल्यूम बढ़ गई है, इसलिए हवा विंड पाइप के द्वारा लंग्स में भर जाती है। जैसा कि वहाँ पे हमने देखा था कि स्ट्रॉ के द्वारा गुब्बारे के अंदर हवा भर रही थी, उसी तरह इस वाले डायग्राम में जैसा कि आप देख सकते हैं इस समय डायफ्राम फूला हुआ है जिसके कारण लंग्स के लिए लंग्स से हवा बाहर निकल जाती है वायुमंडल की तरफ, क्योंकि लंग्स के अंदर का दबाव अभी भी वायुमंडल के दबाव के बराबर है पर उनके बाहर डायफ्राम के द्वारा दबाव इस समय ज़्यादा है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ
आपको यह प्रयोग देख के बहुत मजा आया होगा। हम और भी ऐसे दिलचस्प एक्सपेरिमेंट्स लेकर वापस लौटेंगे। धन्यवाद।